हाय स्टूडेंट्स, मैं अनीता अनिल नेगी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स और एमएड। मैं पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से कक्षा 12वीं में पढ़ा रही हूं तथा देहरादून के एडेड स्कूल में एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th बी केमिस्ट्री। में मैं यूनिट्स आपको बताती हूँ, कुल मिलाकर के 16 यूनिट्स हैं। उन 16 यूनिट्स को सबसे पहले बांटा गया है फिजिकल केमिस्ट्री, पॉइंट नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोलह यूनिट्स में फिजिकल केमिस्ट्री को 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी प्रकार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 7 चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर तक और ऑर्गेनिक को 10 से लेकर के 13 चैप्टर तक। इसके बाद इसमें पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल इन डेली लाइफ इत्यादि रखे गए हैं। इस पूरे सिलेबस को मैं एक पिक के द्वारा आपको सेंड करूंगी। अब हम फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉलिड स्टेट ये सभी इस चैप्टर्स को सभी बच्चे क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं, एक होती है सॉलिड और दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। इनमें से जो सॉलिड है उसका अध्ययन हम क्रिस्टल फॉर्म में करेंगे। अब देखिए क्रिस्टल्स और अक्रिस्टल्स। क्रिस्टल का मतलब हुआ एक इस प्रकार का पदार्थ जिसमें कि अवयवी कण, अवयवी कण का मीनिंग हुआ आयंस, परमाणु या अणु। इन तीनों में से यदि एक निश्चित फॉर्म में रखा जाए, फॉर एग्जांपल एज इट इज, ये देखिए आप दिख रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सभी अवयवी कण आपको कैसे दिखाई दे रहे, एक शेप में दिखाई दे रहे। देखा, इन अवयवी कणों की जो बीच की डिस्टेंस है वो भी मोस्टली एक जैसे ही है और होनी ही चाहिए। हो सकता है फिगर बनाते समय थोड़ा सा गोले ऊपर नीचे हो जाए, मगर आप जब इसके समझेंगे तो अवयवी कण एक जैसा दिखाई देना चाहिए। अब ये अवयवी कण हो सकता है आयंस हो यानी प्लस माइनस, या फिर परमाणु हो या फिर क्या हो, अणु हो। इन तीनों से मिलकर जब वो एक निश्चित व्यवस्था में रखा जाता है तो वो बन जाता है क्रिस्टल फॉर्म। अब क्रिस्टल फॉर्म में क्या होता है कि ये कुछ जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल फॉर्म होगा, तो क्रिस्टल फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक तो अवयवी कण को एक जैसी स्थिरता के साथ और एक निश्चित शेप में ही उसे रखा जाएगा। इस प्रकार बनी हुई कण की जो संरचना होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, क्रिस्टल्स कहलाएगी। अब क्रिस्टल्स में देखो, एक प्रकार का अगर सपोज हम इसे एक लाइन में रखते हैं तो ये कहलाता है एक जालक, इसको कहते हैं एक जालक क्रिस्टल। ठीक है, नोट किया बच्चों आपने। यह इसकी पिक भी खींच सकते हैं आप।
ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं अवयवी कणों को दो फॉर्म यानी एक विमेय और दो विमेय, ये फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है, दिख रहा है? अब देखो इसमें जितने मैंने अवयवी कण हैं सब एक साइज के हैं और एक ही शेप में रखे गए हैं, तो ये कहलाता है आपका द्विविमेय। यानी अगर आप इनको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये बनाएगा द्विविमेय जालक, ठीक है। और इसी को मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगी तो ये बन जाएगा तीन फॉर्म वाले में, यानी त्रिविमेय जालक की शेप में। तो जब हम इसको बनाते हैं तो इसको बनाते समय एक क्रिस्टल फॉर्म में मैं इसको बना रही हूँ, तो ये एक घन की शेप बन जाती है। देखो ये देखो आराम से यहाँ पे अवयवी कणों, तो इसको मैं अलग से एक इस तरीके से समझाती हूँ आपको, केवल एक यूनिट्स के रूप में समझा रही हूँ। तो देखिए ये आपके पास ये शेप बनी और ये सभी अवयवी कण यहाँ पर मैंने रख दिए। देखो सबकी डिस्टेंस, सबके अवयवी कण एक समान दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस प्रकार जो संरचना बनती है इसे कहते हैं त्रिविमेय जालक, और इस प्रकार बना हुआ ये कहलाता है आपका क्रिस्टल संरचना। तो क्रिस्टल संरचना के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सभी अवयवी कण एक समान दूरी पर बने हुए होने चाहिए, चाहे वे अवयवी कण आयन से बने हो, परमाणु से बने हो, या फिर किससे बने हो, अणु से। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी वो आपकी क्रिस्टलीय संरचना या त्रिविमेय जालक या यूनिट सेल्स के नाम से भी बोला जाता है। तो एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन आता है तो वो त्रिविमेय जालक या यूनिट सेल्स किसे कहते हैं, एक मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टल। देखो क्रिस्टल वो होगा जिसमें एक जैसी डिस्टेंस, एक जैसे अवयवी कण बार बार रिपीट होंगे और इनमें एक स्थिरता रहेगी, जबकि अक्रिस्टलीय फॉर्म में क्या होगा कि अवयवी कण कुछ सीमा तक तो आपको एक जैसे दिखाई देंगे फॉर्म में, मगर कुछ टाइम बाद जो उसकी डायरेक्शंस होगी वो चेंज हो जाएगी। देखो जैसे ये दिखाई दे रहा, इसमें क्या हो गया, अवयवी कण आपको देखो थोड़ी देर तक तो एक जैसे दिखाई दें, उसके बाद ये ऊपर नीचे मूवमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इनकी जो सीक्वेंस होती है वो लगातार एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें यदि जो उनकी प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण होता है, वो भौतिक गुण अगर आप विभिन्न दिशाओं में घुमाएंगे तो विभिन्न दिशाओं में उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जबकि अक्रिस्टल्स में यदि विभिन्न दिशाओं में जो उनके भौतिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। तो जब पॉइंट नंबर टू आप नोट करना चाहेंगे बच्चों तो नोट कीजिए, मैं बोलती हूँ कि यदि क्रिस्टल्स में अवयवी कणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमाया जाता है तो उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय में विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण समान होते हैं, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि आप क्रिस्टल्स में उनके भौतिक गुण को लेंगे तो वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे विभिन्न डायरेक्शंस में, और जबकि अक्रिस्टल में विभिन्न दिशाओं में जो भौतिक गुण होंगे वो समान होंगे। तो इस गुण को जब वो समान होते हैं तो इसे कहते हैं समदेशिक। क्या कहते हैं? समदेशिक। और यहां पर ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ये कहलाती है विषमदेशिक, ठीक है। तो यानी क्रिस्टल्स में विषमदेशिकता का गुण पाया जाता है जबकि अक्रिस्टल में समदेशिकता का गुण पाया जाता है। नोट कर लिया? तो ये क्रिस्टल्स और अक्रिस्टल्स में जो मेन पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बताए कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में क्या अंतर होता है, कि क्रिस्टल में अवयवी कण बहुत लंबे समय तक एक ही फॉर्मेट में रहते हैं, इनका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा,
जबकि आकृष्टालय में कुछ समय तक आपको ऐसे लगेगा कि इसके अवयवी कण एक समान है, परंतु कुछ सीमा या कुछ समय बाद इसकी जो अवयवी कणों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में इसके अलग अलग होते हैं क्रिस्टल्स में, इसलिए इसे विषमदेशिक कहते हैं, और यह गुण विषमदेशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमदेशिकता। और इस गुण को जो आकृष्टल्स में पाया जाता है उसे कहते हैं समदेशिकता गुण। तो ये मेन पॉइंट्स है इसमें क्रिस्टल और आर्किस्टल में डिफरेंसेस के। तो एग्जाम में एक मार्क्स में ये क्वेश्चन इसमें से आता है कि विषमदेशिकता किसे कहते हैं या समदेशिकता किसे कहते हैं, या कभी कभी इस प्रकार से भी आ जाता है कि क्रिस्टल्स और आक्रिस्टल्य में क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स में मैं दोबारे से रिवीजन लेती हूँ आपका। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सॉलिड स्टेट, जिसमें कि अवयवी कण एक समान दूरी पर बनाए रखते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में जो अवयवी कण होता है वो आयन, परमाणु, अणु इत्यादि हो सकता है। ये तीन प्रकार से लिखे जा सकते हैं, यानी इनकी जो जालक स्थिति होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक जालक जिसमें अवयवी कण केवल एक रेखा में आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने गोले बना रखे हैं। फिर इसके बाद मैंने इन्हें दो तलों में रखा है, देखो, तो ये दिव्यमय जालक कहलाएगा। मगर जब ये तीन दशाओं या दिशाएं दोनों एक ही चीज होती है रखा जाएगा, तो इनमें अवयवी कण इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ये एक क्यूब शेप को फॉर्मेट करती है और साथ में इसे कहते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल्स में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि यूनिट सेल्स में आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा। ए बी सी इसकी डायरेक्शन है, दिस इज ए, ये बी, और ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा हाइट ये सी है। और इनमें ए जो साइड्स है उसके सामने एंगल अल्फा बना दीजिए और बी साइड्स के यहां पर बीटा और सी के अपोजिट में गामा। हो गया। तो यूनिट सेल्स क्या कहलाता है कि यदि हम बहुत सारे अवयवी कणों को विभिन्न डायरेक्शंस में घुमाएं तो वह एक घन संरचना का क्या करता है, फॉर्मेट बनाता है या फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार की आकृति को त्रिविमय जालक या यूनिट सेल कहते हैं। इसके बाद क्रिस्टल आक्रिस्टल में मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे, और तीसरा पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी में विषमदेशिकता या समदेशिकता गुण क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया इसमें। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद निबिट संकुलन्स। यहां पे क्लोज कीजिए और इसमें लिखिए निबिट संकुलन। देखो, निबिट संकुलन क्या है कि अवयवी कण को किसी दिए गए स्पेस में, जैसे आपको एक बॉक्स दे दिया या एक लाइन दे दी या एक समझ लीजिए क्यूबाइड्स या क्यूब शेप में कोई आपको कोई बक्सा दे दिया या कोई माचिस की डिब्बी दे दी, उसके अंदर आपको गोलियां रखनी है, तो वो चीज़ आप इस प्रकार से समझिए कि निबिट संकुलन क्या है। अगर मुझे दी गई एक रेखा में बोला जाए कि दी गई ये जो अवयवी कण है, तो अवयवी कणों को आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि बॉल दे रखी है आपको, चाहे वो रबड़ की बॉल हो चाहे वो, मगर ज़्यादा साइज में वो चिपकनी नहीं चाहिए, यानी अगर आप उसको दबाएंगे तो दबनी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक रेखा में अवयवी कणों को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करते हुए देखो ऐसे रखती चलेगी मैं, तो ये कहलाता है निबिट संकुलन एक रेखा का। यानी किसी दी गई रेखा में या किसी दिए गए स्पेस में जब आप बहुत सारे अवयवी कणों को व्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, समायोजित करते हैं, तो ये कहलाता है एक निबिय संकुलन। ठीक है, तो इसको एक निबिट संकुलन के नाम से भी जानते हैं।
अब आते हैं दो में, मुझे एक इस प्रकार से एक चौखट बॉक्स दे दिया और इस बॉक्स के अंदर मुझे कहा कि बॉल रखिए। तो देखो मैं इस प्रकार से ये ऐसे करते हुए रखती चली जा रही हूँ, तो ये कहलाता है द्विविमीय निबिड संकुलन। देखो हो गया, अब इसके बाद आता है त्रिविमीय निबिड संकुलन। त्रिविमीय निबिड संकुलन, जैसे आपको क्यूब क्यूबाइड्स कोई भी शेप दे दी जाए बॉक्स के रूप में या फिर माचिस की डिब्बी के रूप में और उसमें छोटी छोटी गोलियां आपको समानी हैं, तो उनको रखने का इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें कि वे हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अधिक से अधिक बॉल उसमें समा सके वह कहलाता है त्रिविमीय निबिड संकुलन। ठीक है, तो ये मैंने निबिड संकुलन इसमें इसलिए लिया कि ताकि आप निबिड संकुलन और जालक दोनों में अंतर समझ सके। जालक में और निबिड संकुलन में क्या अंतर है? निबिड संकुलन में आपको एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा गया है अवयवी कणों को, देखो, जबकि जालक में एक निश्चित दूरी बनाते हुए रखे गए हैं। दोनों में अंतर पता चला? तो अब आते हैं हम मात्रक कोष्ठिका के वर्गीकरण पे। मात्रक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। एक होता है सरल मात्रक कोष्ठिका, ठीक है, और दूसरी मात्रक कोष्ठिका को लेने के लिए हम क्या करेंगे कि सरल मात्रक कोष्ठिका में जिसमें आपके पास इस प्रकार से कि अवयवी कण, एक इसका डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रही हूं मैं आपको, जिसमें अवयवी कण उसके केवल कोनों पर होंगे, कॉर्नर्स होते हैं जैसे क्यूब के, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, तो ये देखो आठ कोने हैं, आठ कोनों पर अवयवी कण आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहलाता है सरल मात्रक कोष्ठिका। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सरल मात्रक कोष्ठिका और सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाना चाह रही थी, तो सेकंड पार्ट उसका देखिए मात्रक कोष्ठिका का सेकंड पॉइंट था सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसके मैंने तीन भाग किए थे सेंटर्ड यूनिट सेल के। पहला वाला था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पॉइंट नंबर टू फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और थर्ड पॉइंट था जिसको कहते हैं बेस सेंटर्ड तो सेंटर्ड यूनिट सेल को डिवाइडेड किया गया है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। अब आप इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी के फॉर्म में भी लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है कि जब अवयवी कण अगर इस प्रकार से हो कि वह किसी भी त्रिविम जालक, यानी त्रिविम जालक का मतलब हुआ कि उसके आठ कोनों पर अवयवी कण निम्न प्रकार से उपस्थित हों, उसके साथ साथ उसकी बॉडी, बॉडी मतलब होता है शरीर, तो ठीक सेंटर में अगर उसके स्थित होगा तो वो कहलाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, डायग्राम से शो किया है, देखो मैंने आठ कोनों पे आठ अवयवी कण रिप्रेजेंट कर रखे और साथ में उसकी बॉडी में एक बीचों बीच मैंने एक क्या है अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, दिखा रखा है।
दूसरा होगा फेस सेंटर FCC, फेस सेंटर यूनिट सेल। इस प्रकार का यूनिट सेल्स जिसमें कि क्या, जिसमें कि अवयवी कण उसके कॉर्नर्स के अलावा, यानी कॉर्नर में तो होंगे होंगे जो उसके कॉर्नर्स हैं, उसके अलावा उसके फेस में भी होंगे। कितने फेसेस होते हैं, कितने फेस होते हैं क्यूब के, 6 फेस। तो देखो ऊपर वाले फेस से मैंने एक अवयवी कण ये बनाया, इधर साइड वाले में ये बनाया, इस साइड वाले में ये बनाया, इस साइड वाले में ये बनाया। अब आते हैं फ्रंट का और बैक का, फ्रंट का ये रहा और बैक का ये रहा। देखिए आपको बीच वाले में 4 अवयवी कण एक साथ दिखाई दे रहे, एक लाइन में दिख रहे हैं, तो वो एक आगे का फ्रंट का है और एक बैक का है। तो इसको कहते हैं FCC, यानी जिसमें कि अवयवी कण, अगर स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त उनके फेस पर भी उपस्थित हो, यानी उसके 6 फलकों पर भी उपस्थित हो, उसे कहते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। क्लियर हो गया। अब उसके बाद तीसरा आते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल का, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स जो होता है उसमें आपका जो क्यूब होगा यानी त्रिविम जालक होगा उसमें अवयवी कण, इसको मैं यहां पे इसको भी BCC करके ही लिखेंगे, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त, जैसे यहां पे आपका है, किन्हीं भी 2 फलक यानी उसके जो अपोजिट्स फलक होंगे यानी फेसेस होंगे, यानी इस वाले का फेस ये है, ऊपर वाले का नीचे हो गया, फ्रंट का हो गया बैक, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, तो 3 डायमेंशनल में कुछ एज्यूम खुद करना होता है कि जो हमारा फ्रंट का दिख रहा है उसका बैक ये वाला हिस्सा होगा। तो इसमें अवयवी कण, तो मैं क्या करूंगी कि केवल 2 फेसेस ले रही है, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो ऊपर वाले फेस से मैंने ये लिया और नीचे वाले में ये लिया। तो जब अवयवी कण इस प्रकार से हो कि उसमें 8 कोनों के अतिरिक्त उनके किसी 2 अपोजिट जो फेस हो उसपे भी अवयवी कण उपस्थित हो, तो इस प्रकार कहलाता है वो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर हो गया। तो बेस और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में BCC ही कहते हैं, मगर जहां पे लिखा जाएगा अगर वो बॉडी सेंटर्ड कहना चाह रहे हैं तो वो दिस इज अ BCC, एंड बेस सेंटर्ड कहना चाह रहे हैं तो वो भी BCC होगा, मगर वहां पे वो बेस सेंटर्ड लिख के आपको देंगे। क्लियर हो गया। तो ये डायग्राम आपका कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड का, ये फेस सेंटर्ड का है, और ये क्या है, बेस सेंटर्ड का है। तो बेस सेंटर्ड में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी 2 अपोजिट फेसेस में आपके अवयवी कण उपस्थित होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये मैंने आपको यूनिट सेल्स था, यूनिट सेल्स के 2 टाइप्स पढ़ाए थे कि किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन जो कल मैंने पढ़ाया था वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, जिसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल्स जिसके 3 टाइप्स होते हैं, और इन 3 टाइप्स को मैंने आपको समझा दिया विद डायग्राम्स। तो ये सब आप कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद आता है कि जो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है इनमें आपके परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो लिखे हेडिंग परमाणुओं की संख्या, देखिए पहला वाला हमारा है BCC। BCC में परमाणुओं की संख्या क्या होती है कि जो 8 कोने होते हैं उन 8 कोनों पर प्रत्येक अवयवी कण कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/8 पार्ट, कितना, 1/8 पार्ट, दिस इक्वल कितना हो गया, 1। तो यानी अगर एग्जाम में कभी भी BCC में परमाणुओं की संख्या आएगी जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से, तो वो होगी आपकी कितनी, 1। तो यानी Z इज इक्वल टू वहां पे आप क्या डिनोट करेंगे, 1। दूसरा आता है FCC में परमाणुओं की संख्या। तो FCC में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो देखो कैसे होगी, कितने फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6। 6 फेसेस में अगर प्रत्येक पार्टिसिपेशन कितना भाग देता है, 1/2, तो दिस इक्वल टू कितना होगा, 3। ठीक है। अब ये केवल इसके फेसेस का है 3। अब हम देखो क्योंकि जो हम बना रहे हैं उसके अलावा उसके 8 कोनों पर भी क्या थे, अवयवी कण थे, तो हमारा टोटल
टोटल्स नंबर कितने हो गए, 3+1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो यानी एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जबकि बॉडी सेंटर्स में कितनी होगी, बॉडी सेंटर में एक यहाँ पे है, तो टोटल बॉडी सेंटर में 1+1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, और फेस सेंटर्ड में कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार से क्योंकि बेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स थे, 1/8 भाग सभी देते हैं, तो उसके अणुओं की संख्या कितनी होगी, 1, जो टोटल क्योंकि उसके बीच में कितना है, एक भाग और है, तो 1+1 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार एफसीसी में 6×1/2 इज इक्वल टू 3, और यहां पर आप आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, दिस इक्वल टू 3+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो ये इसके कितने अवयवी कण है वो दिखा रहा है। क्लियर हो गया यहां तक सभी बच्चों को? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसमें मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको दूंगी, जो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको, देखिए क्वेश्चंस लिखिए। एक यौगिक एक्स और वाई तत्वों से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, एक्स और वाई तत्वों से, एक्स और वाई तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, इसकी घनीय संरचना है, परमाणु X के घन के कोनों पर फलक केंद्र उपस्थित हैं, जबकि वायु परमाणु Y किनारे के केंद्र पर एवं घन के केंद्र पर उपस्थित है। लिख दिया, यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल्स लिया कि आप किस प्रकार से इसे बनाएंगे। तो देखो, एक्स और वाई तत्वों से कोई मिलकर बना है घन संरचना, परमाणु एक्स घन के कोनों पर और फलक केंद्रित उपस्थित है, जबकि वाई परमाणु वाई के किनारों के केंद्र पर एवं घन के केंद्र पर क्या है, उपस्थित है। तो इस प्रकार इसका सूत्र क्या होगा, तो पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में एक्स परमाणु की, यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखेगा एक्स परमाणु की संख्या, तो ये हो जाएगा 8×1/8, दिस इक्वल टू 1। ठीक, ये पहला पोर्शन मैंने इसका किया, प्लस उसके अलावा एक्स कहाँ है, फलक पर, तो 6× कितना होना चाहिए, 1/2, तो दिस इक्वल टू आपका टोटल आ गया 3+1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। क्योंकि जो एक्स था वो आपके कहां कहां पे स्थित था, घन के कोनों पर, तो कोने 8 होते हैं, तो 1/8 भाग सभी कोना देता है, प्लस फलकों पर था 6×1/2, तो दिस इक्वल टू 4। अब यहां पे लिखिए वायु परमाणु की संख्या, तो दिस इक्वल वायु परमाणु कितने कोने पे है, वायु किनारे पर स्थित है, कितने किनारे होते हैं, 12, और सभी 1/4 देते हैं, प्लस उसके घन के केंद्र पर, ध्यान से दीजिए घन के केंद्र पर, तो जो घन के केंद्र पर होता है वो अपना एक भाग पार्टिसिपेट करता है, तो दिस इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे कितना हो गया, 3+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से एक्स वाई का सूत्र यानी जो यौगिक आपका है वो हो जाएगा एक्स 4 और वाई कितना हो जाएगा, 4, तो दिस इक्वल टू एक्स वाई टोटल ये बन गया। क्लियर हो गया?
तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने इसलिए लिया था कि ताकि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो आपके थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम पढ़ाते हैं इस न्यूमेरिकल्स को आगे पढ़ाना चाह रही हूँ मगर फिर लोडिंग करने में आपको दिक्कत होगी, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बार। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग। थोड़ा कल मैंने पढ़ाया था कि क्लोज पैकिंग क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निबिट संकुलन। ठीक है, आप हिंदी का नोट करते जाइएगा, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ उसे। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग में मैंने ये आपको समझाया था कि इस प्रकार के अव्यवीकरण जो दिए गए निश्चित स्थान पर मैक्सिमम समा सके, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, उसे कहते हैं निबिट संकुलन या क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग मैंने एक वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, इस प्रकार से थ्री डायमेंशनल, कई प्रकार का आपका आएगा। ठीक है, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल मैंने कल समझाया था, दिया गया एक लाइन है इसमें आप अव्यवीकरणों को स्पर्श करते हुए रखेंगे तो ये वन डायमेंशन है। टू डायमेंशन का मैंने आपको समझाया था कि अव्यवीकरणों को स्पर्श करते हुए मैक्सिमम अगर आप टू लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये टू डायमेंशन है। अब इसी प्रकार से थ्री डायमेंशन के लिए थ्री रो में आप अगर उनको स्पर्श करते हुए दिखा रहे हैं तो ये मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे करके, ये रहा थ्री डायमेंशन। ठीक है, अब इसमें हम जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे क्लोज पैकिंग में, वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन, तो वन डायमेंशन मैंने आपको ओरली समझा दिया, टू डायमेंशनल भी थ्री डायमेंशनल भी। इसमें एक टॉपिक आता है आपके पास कि जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं टू डायमेंशनल में, तो टू डायमेंशनल का मैं पोर्शन आपको पढ़ा रही हूँ। टू डायमेंशनल में स्क्वायर आता है, उसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या चीज है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डायग्राम एक्चुअल में इसलिए बनाए जा रहे हैं कि ताकि आपको जल्दी अच्छी तरीके से समझ में आए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एक बात का ध्यान रखिएगा, सभी आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होने चाहिए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जैसे ये वाला गोला है इसको हमने ब्लैक कर दिया बीच का, और इसको स्पर्श करने वाला पॉइंट एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है। देखो आपस में मैंने मिलाया, दिख रहा मिलाते हुए, ये ऐसे हो गया। इसको मैं अलग से केवल उसी भाग को बना रही हूं जो इसको क्लोज करके दिखाएगा स्क्वायर में। तो देखो इस गोले को ये चार गोले स्पर्श किए हुए हैं, ये देखिए हो गया, तो ये कहलाता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी एक अगर गोले को अन्य चार गोले इस प्रकार से घेरे हुए रहे तो ये कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा इसमें आता है, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट इसका है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, एक इस प्रकार की लाइंस जिसमें कि आप अव्यवीय कणों को इस प्रकार से रखें। देखो थोड़ा सा डायग्राम में ध्यान दीजिए, देखो पहला गोला छोड़ करके इसके ठीक अंतः स्थान पर, यानी जो अंदर निम्निष्ट होते हैं उन पर आप गोले को रखिए, तो एक गोला आपका ऑलरेडी पीछे की ओर जाएगा, फिर आगे की ओर ले जा लीजिए, फिर ये दोबारे से ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर यहां पे खत्म हो गया। अब हमने क्या किया, एक गोला मीडियम बीच का लीजिए और इसको, इस गोले को देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये छह गोले इसको घेरे हुए, देखो है ना घेरे हुए, तो इसको मैं अलग से बना लेती हूं कि आपकी थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इनके जब आप मिड पॉइंट को आपस में जोड़ेंगे तो आपको हेक्सा शेप दिखाई देगी, जिसे कहते हैं हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया? तो ये टू डायमेंशनल के लिए है। क्लियर हो गया? ये टू डायमेंशनल जो मैंने आपको बताया था, इस टू डायमेंशनल के पार्ट पढ़ा रही हूं मैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं क्लोज पैकिंग के बाद। क्लोज पैकिंग को हिंदी में निबिट संकुलन कहते हैं। उसमें तीन जो है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, ये आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गया? उसके बाद इसमें आते हैं हम, जो थ्री डायमेंशनल होता है। कौन सा? थ्री डायमेंशन। ठीक है, अब थ्री डायमेंशन में मैंने क्या पढ़ाना है आपको? इसमें एक आता है चतुष्फल या रिक्ति, जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल होल्स। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल होल। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें, वाइड्स भी कहते हैं या फिर आप इसको होल भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है टेट्राहेड्रल के बाद आता है ऑक्टागोनल्स, यानी अष्टीय ऑक्टाहेड्रल। होल्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होल, ये कहलाता है हिंदी में चतुष्फलीय रिक्ति, और ये कहलाता है अष्टफलीय रिक्ति। क्लियर हो गया? अष्टफलीय और चतुष्फलीय रिक्ति। अब आप टेट्राहेड्रल कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसके लिए डायग्राम है पहला वाला, मैं बता रही हूं। जो अवयवी कण है उनको आप इस प्रकार से रखेंगे कि पहले उसकी एक सतह बनाएंगे, उसको कहते हैं लेयर फर्स्ट, और उसके बाद जो दूसरी सतह बनेगी वो कहलाता है लेयर सेकेंड। तो डायग्राम से आप इसको समझ पाएंगे। पहले में देखो ये, फिर मैंने इसी के बीच में जैसे गैप छोड़ करके बनाया, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक, फिर वन टू थ्री फोर और फाइव। अब इसके ऊपर मैं सेडेड बनाऊंगी, सेडेड मतलब दूसरी सतह कहेंगे, जिसे जो आपको एक गोले दिख रहे हैं, ये इसका लेयर फर्स्ट है। कौन सी है लेयर? कौन सी है? ए। और जो आपको सेडेड भाग दिखाई देगा वो कहलाएगी लेयर बी। तो लेयर ए और लेयर बी में क्या अंतर है? अब लेयर बी मैं देखो ऐसे बना रही हूं, डॉट करके दिख रहा है, डॉटेड 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 लाइन दिखेगी ऐसे करके। फिर देखो मैंने ऐसे करके बनाया, ये देखिए लेयर बी दिखा। तो लेयर ए और लेयर बी, जब आप दो लेयरों को इस प्रकार से करेंगे कि जो चार गोले होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, चार गोले इस प्रकार से होंगे कि उनके बीच में जो रिक्ति बनती है उसे कहते हैं चतुष्फलीय रिक्ति। तो आप इसमें लिख सकते हैं चतुष्फलीय रिक्ति डेफिनेशंस, कि जब इस प्रकार का खाली स्थान जिसमें कि चार गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उनके बीच में छिद्र बनाते हैं, चतुष्फलीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये चतुष्फलीय रिक्ति आपकी कंप्लीट हो गई, हो गया। और इसके डायग्राम को आप कैसे बना रहे हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम देखिए आप यहां पे, ये जो दिख रहा है, ठीक, ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है ऑक्टाहेड्रल होल्स। ठीक है, इसमें जिस प्रकार से आपका टेट्राहेड्रल होल्स होता है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। इसमें ये तीन गोले आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके नीचे मैंने तीन अन्य गोले रखे, मगर ये सीधाई में है और ये इसके जस्ट अपोजिट है, उल्टे में, यानी दो के ऊपर यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो के नीचे क्या है, एक गोला है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये तीन गोले जो दिखाई दे रहे हैं आपको डार्क लाइन से बने हुए, और तीन गोले इनको काटते हुए आपको शेडेड भाग में दिखाई दे रहे हैं, यानी पहले ऊपर एक है उसके नीचे दो है, और जो ये वाला पोर्शन है ये मैंने शेड करके ले लिया है, दो गोलों में बीच में एक गोला काट रहा है। तो यहाँ पर एक रिक्त बन गया, यानी होल बन गया, जिसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल्स होल। और डायग्राम में ये ऐसे दिखाया गया है कि ये डार्क वाला यानी एक त्रिभुज की शेप है, और ऐसे शेडेड भाग के लिए एक त्रिभुज की शेप बना दी गई। तो
ऑक्टाहेड्रल होल किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि किसी अष्टफल या रिक्ति में, यानी जो ऑक्टाहेड्रल होल होता है उसमें दो त्रिकोणीय सतह एक दूसरे पर विपरीत दिशा में, त्रिकोणीय सतह मतलब इसका त्रिभुज इधर बना और उल्टा वाले ऊपर वाले का त्रिभुज ये बना, तो जो मैंने अलग से दिखा रखा ये त्रिभुज शो कर रहे हैं, यानी दो त्रिकोणीय सतह एक दूसरे पर विपरीत दिशा में। आप देखो ध्यान से देखो, एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज अपोजिट में है इसके, तो एक दूसरे पर विपरीत दिशा में रखने पर अर्थात छह गोले, ये कितने गोले दिखाई दे रहे, तीन डार्क है तीन शेडेड भाग के बने हुए, तो कितने के छह गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जो रिक्ति बनाते हैं उसे ऑक्टोहेड्रल होल कहते हैं, यानी अष्टफल या रिक्ति कहते हैं। तो जिस प्रकार से चार गोले तीन गोलों पर जब हम एक गोला रखते हैं तो वो चार गोलों से बनी हुई जो रिक्ति होती है वो चतुष्फल या रिक्ति बनती है, और जो छह गोलों से बनी हुई होती है और छह गोले एक दूसरे को क्या करते हैं स्पर्श करते हुए जो छिद्र बनाते हैं उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स। मगर इनकी डायरेक्शन हर समय छह गोलों की इस प्रकार से होनी चाहिए कि तीनों क्या होनी चाहिए, तीन गोले। अगर आप एक के नीचे दो रख रहे हैं तो जस्ट इसके अपोजिट दो के नीचे एक रखेंगे तो एक दूसरे को टच करते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पे एक आपको ब्लैंक भी दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, तो वो कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल होल। तो ये इसका डायग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, कहाँ पर थे हम कल टॉपिक में, मैंने लर्न करने के लिए भी आपको दिया था कि कल जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें आपने क्या करना है, लर्न करना है जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, ताकि फॉर्मेट सही तरीके से चल सके। अब देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल इत्यादि पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको चतुष्फलीय रिक्ति और अष्टफलीय रिक्ति दोनों चीज पढ़ाई थी। अब आज आते हैं हम टॉपिक में इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में, ठीक है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड मतलब जो ठोस होते हैं उनमें क्या अशुद्धता पाई जाती है, उनमें दो प्रकार की अशुद्धता पाई जाती है, एक तो होता है लाइन डिफेक्ट यानी रेखीय, और दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष। तो लाइन डिफेक्ट को आप हिंदी में लिखेंगे रेखीय दोष, और पॉइंट डिफेक्ट को लिखेंगे बिंदु दोष। अब टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट यानी रेखीय दोष और बिंदु दोष क्या चीज होते हैं, तो रेखीय दोष मैं सिंपल ऐसे समझा रही हूं आपको, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको बार बार अगर आप रिपीट करेंगे तो याद भी हो जाएगा। रेखीय दोष वह दोष होता है कि जो एक लाइन जो होती है उस लाइन के कारण अव्यवस्था, उस लाइन में जो अव्यवस्था पाई जाती है उसके कारण पाए जाने वाला दोष रेखीय दोष कहलाता है, और बिंदु दोष यदि किसी परमाणु अणु या आयंस के कारण पाए जाने वाला क्रिस्टल में जो दोष पाया जाता है वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में, यानी बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला दोष होता है इसमें स्टाइकोमेट्रिक्स डिफेक्ट, मैंने हिंदी में भी लिखा है स्टाइकियोमेट्रिक्स, इंग्लिश का ही वर्ड है ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है, नॉन स्काइटोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या चीज होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे इम्प्योरिटिक डिफेक्ट। तो ये जो तीन डिफेक्ट आप पढ़ेंगे इन तीनों डिफेक्टों को आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिखिए स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट होता है ये हमारे पास धनायंस और ऋणायंस का जो अनुपात होता है संख्याओं के अनुपात के कारण पाया जाता है। इट्स डिफेक्ट डिपेंड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स रेशियो ऑफ आयंस, यानी अगर धनायंस ये धन है और ये ऋण है, इन दोनों के जो अनुपात में अंतर होना क्या कहलाता है, स्टाइकोमेट्रिक्स डिफेक्ट कहलाता है। मैं वीडियो में धीरे इसलिए बोलती हूं कि आप वीडियो में जो मैं बोल रही हूं उसको एक बार
अपनी कॉपी में पूरे नोट्स के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं इसमें कि स्टाइकोमेटिस डिफेक्ट जो धनायन और ऋणायन के कारण उनमें अंतर पाए जाने के कारण पाया जाता है, उसमें पॉइंट नंबर वन यानी कितने प्रकार से वो होता है, तो इसकी मैं डिटेल यहाँ पे लिख रही हूँ कि कितने प्रकार का है। पहले वाला आप लिखेंगे इसमें वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा वाला आपके पास आएगा इंटरस्टिल डिफेक्ट। इंटरस्टाइल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टाइल डिफेक्ट क्या चीज होता है? वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंस मतलब तो जानते हैं ना, जहां पे कोई सीट खाली होती है हम कहते हैं वैकेंसी निकली है, तो उसी के नाम से पढ़ा गया है वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टाइल डिफेक्ट यानी ये वाला छिद्र, इसको हिंदी में कहा जाता है छिद्र दोष, और इसको कहते हैं रिक्ति दोष। क्या कहते हैं? रिक्ति, यानी कहीं पे रिक्त पोस्ट होती है तो उसको वैकेंसी कहते हैं ना, जैसे निकलती पोस्ट, तो उसी प्रकार से ये दोष पाए गए थे, वैकेंसी डिफेक्ट और छिद्र दोष। अब हम पढ़ेंगे कि रिक्ति दोष क्या होता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा वैकेंसी डिफेक्ट, क्लियर हो गया। अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट के डायग्राम से आप ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे, तो मैं इसका एक डायग्राम बना रही हूं। ये मैंने एक क्रिस्टल्स लिया, क्रिस्टल को फॉर एग्जांपल ऐसे दिखाया, ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया, ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, फिर यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये भी पार्टिकल है। इस बॉक्स में या इस क्रिस्टल्स में आपको जो ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रिक्तिका यानी स्पेस का खाली हो जाना, इसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो यानी जब किसी क्रिस्टल संरचना में कोई स्थान रिक्त रह जाता है, नोट करते जाइएगा, जब किसी क्रिस्टल संरचना में कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। यानी इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व होगा नेचुरली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो उसकी डेंसिटी होगी वो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, तो उसका स्थान वहां पे खाली हो जाएगा। इस प्रकार का जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इसमें घनत्व क्या होता है, कम पाया जाता है, क्लियर। पॉइंट नंबर टू, दूसरा है इंटरस्टाइल छिद्र दोष, ठीक है। तो आप लिखिएगा अब देखिए, इसमें भी एक डायग्राम में बना रही हूं कि इंटरस्टाइल डिफेक्ट क्या होता है। इसमें ये जो क्रिस्टल्स मैंने बनाया है, इस क्रिस्टल्स में मैं यहाँ पे गोले बना रही हूं, ये यहाँ पे मैंने एक गोला बीच में बनाया, फिर यहाँ पे एक गोला बीच में बनाया, फिर ये बना और फिर ये बना। तो कहने का अर्थ है जो गोले बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं वो अंतराकाय हो गए, यानी वो वहां पर आ करके छिप गए हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स क्रिस्टल संरचना में किसी अपने स्थान को छोड़ करके वहां पर आ जाते हैं, उसके कारण वहां पर क्या पाया जाता है, उसको कहते हैं अंतरकाय या फिर दूसरा कहेंगे छिद्र दोष। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, छिद्र, और यहाँ पे ये क्या है, रिक्तिका, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टाइल डिफेक्ट, ये दोनों चीज यहाँ पे डिनोट करी गई है, दिखाया गया है कि रिक्तिका क्या होती है, किसी क्रिस्टल संरचना में कोई स्थान खाली रह जाए तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष। और इंटरस्टाइल डिफेक्ट वह दोष होता है जिसमें कि कोई भी अवयवी कण या पार्टिकल्स अपना जगह छोड़ करके जब उनके बीचों बीच में आ जाता है, यानी उसको कहते हैं अंतरकाय, तो वहां पर कौन सा दोष पाया जाता है, छिद्र दोष पाया जाता है, क्लियर हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहले मैंने स्टाइकोमेटिक्स डिफेक्ट आपको पढ़ाया कि स्टाइकोमेटिक्स डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक वैकेंसी और एक इंटरस्टाइल डिफेक्ट यानी छिद्र दोष, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो दोनों दोष पाए जाते हैं ये किन पे पाए जाते हैं, अनायनिक ठोसों में, किन में पाए जाते हैं, लिखेंगे यह दोनों दोष अनायनिक ठोसों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां पे मैंने कंप्लीट कर दिया कि किस प्रकार पाया जाता है।
तो ये अनायनिक ठोसों में पाया जाने वाला क्या है, दोष है। क्लियर हो गया। अब मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूं आपको कि आयनिक ठोसों में कौन सा दोष पाया जाता है, कौन सा दोष पाया जाता है आयनिक ठोसों में, उसके बारे में डिटेल लिखा रही हूं। लिखिएगा दूसरा, आयनिक ठोसों में पाया जाने वाला दोष। देखिए आयनिक ठोसों में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला होता है फ्रेंकल डिफेक्ट और दूसरा होता है शॉटकी डिफेक्ट। क्लियर। पहला कौन सा बोला, फ्रेंकल, और दूसरा बोला शॉटकी डिफेक्ट। तो अब देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है। फ्रेंकल डिफेक्ट अनायनिक ठोसों में पाए जाने वाला इस प्रकार का दोष होता है जिसमें कि हम अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ये है, मैंने अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इस प्रकार से आप इसे पूरा का पूरा फिलअप कर देंगे। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को मैं क्रिस्टल से बाहर निकाल के बता रही हूं कि जब ये ऐसे करके आपको दिखाई देंगे तो ये ऐसे प्रकार से बने जाएंगे, ये है डायग्राम में। तो यहां पर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है एक दूसरे के साथ, और ज्वाइन करते हुए ये मैंने एक संरचना बनाई। ठीक है, अब यहां पर से देखो फ्रेंकल दोष एक इस प्रकार का दोष होता है जिसमें कि धनायंस और ऋणायनों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है, यानी जो धनायंस है और जो ऋणायन है उनमें बहुत अधिक अंतर पाए जाने के कारण धनायन अपना स्थान छोड़ करके कहां चले जाते हैं, अंतराकाय स्थान पर चले जाते हैं। तो अभी मैं आपको अंतराकाय स्थान बताती हूं कि किस प्रकार से वो वहां से चला जाएगा। सपोज ये धनायन है, ठीक है, तो ये वाला अपना स्थान छोड़ रहा है, यहां से इसने अपना स्थान रिक्त कर दिया और ये यहां पर चला गया। तो इसके लिए मुझे एक लाइन और बनानी पड़ेगी ताकि नीचे थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपकी समझ में आए, ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये अंतराकाय स्थान पर यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ये लिख रही हूँ, आयंस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे का जो प्लस है वो मैंने रिक्त कर दिया और उसकी जगह मैंने ब्लैक शेडेड भाग कर दिया। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे धनायन द्वारा रिक्त स्थान, धनायन द्वारा रिक्त स्थान, यानी धनायन अपना स्थान छोड़कर यदि अंतराकाय स्थान पे चला जाता है, इंटरसेक्टिक भी कहते हैं इसे, वहां पर चला जाता है तो इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। और इस प्रकार का दोष उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें क्रिस्टल का घनत्व समान रहता है क्योंकि धनायन अपनी जगह से उठ करके कहां चला गया, अंतराकाय में। सपोज आपकी क्लास में अगर 12 बच्चे हैं और 12 बच्चे इधर उधर मूवमेंट करते हैं, एक सीट खाली है वो उसी क्लास के अंदर अगर रहता है, ठीक है, तो तब भी क्लास में छात्रों की संख्या 12 ही होगी। तो आपकी क्लास की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फिर भी 12 है अगर वो अपना स्पेस या अपना स्थान उस सिटिंग प्लान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहां पर क्लास की क्वांटिटी उतनी ही रहती है। इसी प्रकार से धनायन जब अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाय स्थान पर जाता है तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है कि इसके डेंसिटी में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। उसके बाद हम दूसरा आते हैं शॉटकी में, किसमें आएंगे, ये दिस इज अ फ्रेंकल स्ट्रक्चर, बना लीजिएगा और डेफिनेशंस मैंने ओरली आपको बोल दी वो आप लिखेंगे क्योंकि वीडियो में ये सब बताना बहुत मुश्किल है, लिखने के लिए आप खुद लिखेंगे। आप यहां पर आते हैं शॉटकी,
डिफेक्ट। एक्चुअल में शॉर्टकट डिफेक्ट बिल्कुल डिफर होता है फ्रैंकल दोष के। शॉर्टकट डिफेक्ट में मैं सेम डायग्राम बना रही हूं जैसे मैंने पहले बनाया। उस डायग्राम को जब मैं बनाऊंगी तो आप देखिएगा मोस्टली मेरे जो पार्टिकल्स है वो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उन पार्टिकलों की जो डिस्टेंस है वो भी मैंने सब एक जैसे ही रखी है, समान दूरी पर, और ये मैं जोड़ती चले जा रही हूँ। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर्स बन गया। अब इस स्ट्रक्चर्स में जो शॉर्टकट डिफेक्ट होता है वो उन पर पाया जाता है जिनमें की क्रिस्टल्स, जिन क्रिस्टलों में धनायंस और ऋणायन के अनुपात में, धनायंस और ऋणायन के आकार के अनुपात में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। यानी जितनी मात्रा में, सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इस प्रकार से आप पूरे डायग्राम को शो कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर से ये वाला सपोज धनायन द्वारा छोड़ा गया स्थान है, धनायन द्वारा रिक्त स्थान, और ऐसे ही मैंने एक ऋणायन से किया तो ऋणायन द्वारा रिक्त स्थान। तो होता क्या है, शॉर्टकट दोष में जितना धनायन अपना स्थान छोड़ेगा उतने ही ऋणायन भी अपने स्थान को छोड़ेगा। तो इस प्रकार से धनायन और ऋणायन जब समान मात्रा में अपने स्थान को छोड़ते हैं तो वह कहलाता है आपका शॉर्टकट डिफेक्ट। और शॉर्टकट डिफेक्ट में जो धनायन और ऋणायन है उनके आकार समान होते हैं और साथ ही घनत्व में बहुत अधिक अंतर इसमें पाया जाता है, क्योंकि जितनी मात्रा में धनायन अपने स्थान को छोड़ रहा है उतनी मात्रा में ऋणायन भी। तो इसकी डेंसिटी शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या हो जाती है, लेस हो जाती है जो ओरिजिनल इसका डेंसिटी होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आयनिक ठोस में पाए जाने वाला क्या है, दोष है, शॉर्टकट और फ्रैंकल दोष। तो इनमें एग्जाम में डिफरेंसेस भी आता है, तो एक्चुअल में मैंने इसीलिए लाइन बना करके एक तरफ से डिफेक्ट भी दिखा दिया है, दोनों की डेफिनेशंस भी, और दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं वो आप एक बीच में लाइन खींच करके दोनों में डिफरेंसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नॉन शॉर्टकट डिफेक्ट्स। तो जो नॉन शॉर्टकट डिफेक्ट होता है उसको ज्यादा एग्जाम में ऐसे कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है, केवल उसमें एक चीज आती है एफ केंद्र, कि एफ केंद्र क्या होती है। तो एफ केंद्र के बारे में आप थोड़ा लिखेंगे तो मैं लिखा रही हूं नॉन। इसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा कौन सा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक्स को लिखने के लिए आप थोड़ा सा उसे शॉर्ट में ही लिख लीजिएगा, ऐसे करके डैश मार दीजिए, नॉन स्टाइकोमेट्रिक्स। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक्स में जो मैं एफ केंद्र बता रही हूं तो उसको आप डेफिनेशन में लिख लीजिए, एफ केंद्र। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में 1 मार्क्स में बहुत बार पूछी गई है, लिखिए। अयुग्मित जो रिक्तियां होती है, अयुग्मित ऋणात्मक रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं, अयुग्मित ऋणात्मक रिक्तियां। क्या कहलाती है, एफ केंद्र कहलाती है, ठीक है। तो ये यहां पे से आप नॉन शॉर्टकट में मैंने केवल एफ केंद्र पढ़ाया, ये इसका है। बाकी आप डिटेल्स थोड़ा सा किताब की हेल्प से भी पढ़ेंगे वीडियो के साथ साथ। अब हम आते हैं इसमें, ये आपका हो गया पी टाइप्स अर्धचालक और एन टाइप्स अर्धचालक में, यानी कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स क्या चीज होती है। तो सबसे पहले इसमें ये आप, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंडक्टर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी इसमें, जो वीडियो नंबर 5th है, उसमें सॉलिड स्टेट का ही कंडक्टर्स पढ़ाए जाएंगे। उसमें आपके पास कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी, देखो पहले कंडक्टर्स जनरली आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि चालकता, ठीक है। कंडक्टर्स को क्या कहते हैं, चालकता। चालकता क्या कहलाती है, जब हम
किसी भी धातु पर इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है तो वो उसकी चालकता कहलाती है, यानी कंडक्ट होता है। यानी हर जो आपके पास दिखेगा अधातु होती है उनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, तो कंडक्टर्स यानी चालकता जिनमें उनके जो धातु की जो चालकता होती है वो चालकता की जो कोटि होती है 10^4 से लेकर 10^7 ओम प्रति मीटर्स होती है, ओम मीटर्स या प्रति ओम मीटर्स होती है। अगर आप इसको इन्वर्स में लिखना चाहें तो अगर आप प्रति के ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स लिखे जाएंगे। तो ये ठोसों की जो चालकता होती है वो इतनी होती है कंडक्टर्स में, ठीक है। फिर आता है, अच्छा देखो सभी जो चालक होते हैं मतलब जो धातु में चालकता को गुण पाया जाता है वो सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण पाया जाता है। जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उतनी चालकता का गुण भी उसमें ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स, यानी इसे कहते हैं रोधक, यानी किसी चीज को रोकने का गुण जिसमें पाया जाता है। तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या पाया जाता है, इंसुलेटर, ये वाला सेकंड वाला, इसे कहते हैं हिंदी में रोधक। क्या कहते हैं, रोधक, ठीक है। तो इंसुलेटर जिसमें कि जिन ठोसों की जो चालकता होती है वो 10^-20 से लेकर 10^-19 प्रति ओम मीटर्स होती है वो कहलाते हैं रोधक। जैसे जिनमें कि कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गए इत्यादि। तो जो मैं ओरली बोल रही हूँ वो आप अपने जब नोट्स बनाएंगे उसमें सारा मेंशन करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको लकड़ी, फास्फोरस इत्यादि, लकड़ी, फास्फोरस, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्लास्टिक भी हो गया, रबड़ भी हो गया, ये सब इंसुलेटर में आएंगे। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें कि थोड़ा बहुत चालकता का गुण पाया जाता है, यानी आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कुछ वो चालक के भांति व्यवहार करते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध चालक। क्या कहते हैं, अर्ध चालक। तो अर्ध चालक यानी सेमीकंडक्टर्स जिनमें जिनके ठोसों में जो चालकता का कोटि है वो 10^-6 से लेकर 10^4 प्रति ओम मीटर है, ठीक है। अब इनमें जो अर्धचालक होते हैं यानी सेमीकंडक्टर्स होते हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला भाग एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए आपने क्या करना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, इन दोनों तत्वों को ले करके यदि हम किसी पांच संयोजी जिनकी वैलेंसी कितनी होती है 5, पांच संयोजी किसी भी तत्वों के साथ जब हम मिक्स करते हैं या अपमिश्रित करते हैं तो इस प्रकार का जो चालक बनता है उसे कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। थोड़ा सा याद रखने का तरीका यह है कि पहले आप एन पढ़ेंगे फिर पी पढ़ेंगे, तो एन में हर समय आप जो अपमिश्रित जर्मेनियम और सिलिकॉन में अपमिश्रित कर रहे हैं वो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को अपमिश्रित कर रहे हैं। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जैसे आपने लिखा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके पास दो हैं, इन दोनों में आपने क्या ऐड करना है, 5 वैलेंसी वाला कोई भी एलिमेंट्स, 5 वैलेंसी वाला कोई भी क्या एलिमेंट। अब आप बताइए 5 संयोजी एलिमेंट्स यानी ग्रुप 15 में कौन कौन से आते हैं, फास्फोरस, आगे बोलिए बच्चों, फास्फोरस, इसमें जितने भी ग्रुप 15 वाले आपको दिखाई देंगे उसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी Sb कहलाएगा, ठीक है, और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मेथ, ये ग्रुप 15 है। ग्रुप 15 इन सब की संयोजकता कितनी होती है, 5-5 होती है। तो इनको आपको मिलाने पर क्या मिलेगा, एक एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होगा। तो यहाँ पे मैं एन टाइप अर्धचालक का डायग्राम बना रही हूं, मैंने सिलिकॉन Si,
यहाँ पे लिया सिलिकॉन, यहाँ पे लिया सिलिकॉन, फिर यहाँ पे मैंने फास्फोरस, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। अब हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके, मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्सों को, ये क्योंकि चार संयोजी है तो इसके चारों कोनों पर मैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही हूँ, भर रही हूँ। तो देखो आप देखते जाओ, और जो फास्फोरस आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है, पांच संयोजी, तो तीन और एक चार, एक दो तीन, ठीक है, चौथा इसका ये रहा। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे, और एक ये रहा फास्फोरस का ऐसे करके, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खाली रह जाएगा, बाकी सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी सहसंयोजक बना लेते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स सहसंयोजकता का गुण इसमें प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, सारे ही इस टाइप से आपको दिखते हुए नजर आएंगे। केवल यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग छूट जाएगी पांचवें वाले में, ये ऐसे करके ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है, यानी बराबर बराबर की क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। ठीक है, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसा होता है जो खाली रह जाता है फास्फोरस का, तो ये क्या करता है, चालकता का क्या करता है, गुण पाया जाता है इसमें, और ये पूरा जो आपका चारों तरफ से बंद, ये सारे बंद हो गए हैं सिलिकॉन्स के, सिलिकॉन ने सब फास्फोरस से एक लिया एक दिया, इसी प्रकार से सभी सिलिकॉन एक दूसरे को देते हुए इस प्रकार से चार सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। केवल फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, बाकी रह जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये चालकता में वृद्धि उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार कहते हैं इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पी टाइप में, देखो पी टाइप में भी सेम वो है, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, ठीक है, उसमें आप इस प्रकार का आप मिश्रित मिलाएंगे जिसकी बैलेंसी कितनी होगी, थ्री, कितनी होगी, तीन बैलेंसी वाला क्या मिलाएंगे, कोई भी तत्व एलिमेंट्स। तो यहां पर मैंने लिया ग्रुप 13 में कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, तो फिलहाल मैं बोरॉन्स ले रही हूं और इसके डायग्राम को फिर मैं आपको बता रही हूं। तो ये यहाँ पे सिलिकॉन समझ लीजिए, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, मगर इसमें होगा क्या कि क्योंकि इसमें तो तीन संयोजी गुण पाए जाते हैं, तो ये तीन को तीन के साथ ऐसे बना देगा, और चौथा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्योंकि उसमें बॉन्ड बनाने के लिए नहीं रहेगा तो वो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इस वाले को आप यहाँ पे खाली छोड़ दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्वार्टर कहलाएगा। यानी सारे बोरॉन, तीन बोरॉनों, तीन सिलिकॉन के साथ एक बोरॉन इस वाले के साथ सहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, केवल ये वाला आपका सिलिकॉन्स इस बोरॉन के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स शेष नहीं रह जाता क्योंकि इसमें तीन ही रहते, तो यहाँ पे क्वार्टर कहलाता है। तो ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट्स आप यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं, तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन का सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बॉन्ड के लिए नहीं रहता है, तो ये केवल तीन सहसंयोजक बॉन्डों का निर्माण करता है, और जो क्वार्टर होता है वो इधर उधर घूमता रहता है और वैद्युत चालकता क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसके घूमने की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, यानी जो क्वार्टर घूमता है उसकी जो दिशा है यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पी टाइप्स सेमीकंडक्टर्स का निर्माण होता है, क्लियर हो गया। तो एन टाइप्स पी टाइप्स दो आपके सेमीकंडक्टर्स मैंने आपको समझाए, क्लियर है। ये है आज हम पढ़ेंगे वीडियो फिफ्थ में ही, अभी मैंने आपको कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पढ़ाए थे, उस वो सारे गुण जो प्रॉपर्टीज होती है वो ठोसों की होती है। अब नेक्स्ट उसमें वीडियोस में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ठोसों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो उसके क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है,
तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो ठोसों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इतने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी लोह चुंबकीय पदार्थ। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी फेरी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब हम पहले वाले में आते हैं। डेफिनेशंस आप नोट कीजिएगा, मैं वीडियो के द्वारा बता रही हूँ। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पहले वाला कि अनुचुंबकीय, वैसे भी नाम से पता चल जाता है, अनु मतलब होता है अनुसरण करना या फॉलो करना किसी चीज को। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अनुचुंबकीय सब्सटेंस कहते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जाने जाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। इन सभी को, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होंगे वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो है O2, कॉपर और आयरन आयन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स, O2, कॉपर आयन और आयरन आयन, ये तीन, ठीक है। ये इसके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, क्लियर। उसके बाद आते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप मतलब होता है बहुत कम, वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अपोजिट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, तो वो कहलाता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स है इसका मैं यहीं पे इसे क्या आगे लिख रही हूं, ये है NaCl, इसमें आ जाता है क्योंकि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो दोनों ही आयनिक भाग है। इसमें बेंजीन लिख सकते हैं आप, C6H6, एंड एक्स्ट्रा में अगर आप जाएं TiO2, ठीक है। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक आपने बहुत सालों से छोटी क्लासेस से उसको पढ़ते हुए आए हो, लोह चुंबक के पदार्थ, तो सभी जानते हैं वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं, प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यानी अगर किसी में फेरोमैग्नेटिक या लोहे के गुण पाए जाते हैं तो जैसे आप इसे चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एग्जांपल्स तो देने की जरूरत ही नहीं है, वो सभी को मालूम है। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अगर कुछ भी नहीं आता तो आयरन सभी बच्चों को आता है, तो आप इसके आगे आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। अब आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी मतलब होता है जो उसके अपोजिट हो, यानी प्रतिलोह चुंबकीय, ठीक है। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें अयमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही इसकी एक प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें अयमित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जब अयमित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वे पदार्थ होते हैं जो जिन पदार्थों में अयमित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वे पदार्थ होते हैं जिनमें काफी संख्या में अयमित इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, फिर भी इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान काफी कम होता है, ठीक है। इनका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाता है वो क्या होता है, काफी कम हो जाता है। मतलब जितने ज्यादा इसमें आपके पास चुंबकीय आघूर्ण, जितने ज्यादा इसमें जो एंटी होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होते हैं, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित होने के कारण भी क्या होता है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो काफी
कम होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स लिखिए, आप लिखो हेमाटाइट Fe3O4, एंटीफेरो का तो आप लिख ही लेंगे इसलिए मैंने लिखा है नहीं, इसमें लिखिए फेरी मैग्नेटिक में Fe3O4 और Fe2O4, ठीक है, इत्यादि इसमें आएंगे फेरी मैग्नेटिक में। और एंटी फेरो में आप एक सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं एग्जांपल्स के लिए, मैग्नीस ऑक्साइड। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, इनके डेफिनेशंस आपको मैंने ओरली बहुत स्लोली स्लोली पढ़ा लिया है, तो ये आप जरूर राइट डाउन करेंगे। ऐसा नहीं सोचेगा कि इसमें वीडियो में इतने सारे डेफिनेशन दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक्स समझा मैंने सारा दिया, डायमैग्नेटिक्स, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक्स और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इनके एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए, विद एग्जांपल्स से ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये करेंगे। चैप्टर्स में मैं कल आपके इसके डिटेल्स, सारी चैप्टर्स के डिटेल, जो लास्ट में आपने क्या 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 इसमें करना है, क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ा और किन किन चीज के आपने नोट्स बनाने हैं, ये कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्लियर? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 6 बनाने जा रही हूँ मैं। वीडियो नंबर 6 में कल मैंने आपको थोड़ा सा जो प्रीवियस था उसके बारे में थोड़ा समझाती हूँ। ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कराई थी कल, किसी भी जो ठोस होता है उसमें जो जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, और फॉर एग्जांपल्स इनके आगे लिख दिए थे, डेफिनेशंस ओरली आपको समझा दी थी। अब इसमें आप एक फॉर्मूला लिखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स बराबर होता है डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि एग्जाम में ड्राइव करने के लिए नहीं आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब जो डेंसिटी में जो जेड आपको दिखाई दे रहा है या इसके परमाणु की संख्या, यानी कितने अवयवी, जैसे FCC है तो उसमें अवयवी में परमाणु की संख्या जितनी होगी वो आप लिखेंगे, BCC है उसमें कितनी होती है, M उसका द्रव्यमान भार, A उसके कोर की लंबाई जो आपको दिया गया होगा क्रिस्टल्स, और NA अवोगाड्रो नंबर्स, KG पर मीटर क्यूब, ये इसके यूनिट्स है डेंसिटी के लिए। तो इसमें एक न्यूमेरिकल मैं आपको लिखा रही हूं कि डेंसिटी आप कैसे निकालेंगे। तो लिखिए एक तत्व का भार सिक्सटी है, यह है फलक केंद्रित घन्य इकाई कोशिका रखता है, लिख दिया, उसकी इकाई कोशिका की छोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, तत्वों का घनत्व ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है कि एक तत्व का भार 60 है, यह फलक केंद्रित घन्य इकाई कोशिका रखता है, इसकी इकाई कोशिका के छोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो तत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सेम फॉर्मूला आप इसी वाला अप्लाई करेंगे डी बराबर। अब आपके पास क्या क्या चीज है पहले आप वो देखिए। देखो ये फलक केंद्रित है तो जेड बराबर जो फलक केंद्रित होते हैं जिसको बोलते हैं FCC, FCC में जो जेड की वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताया था 6 फलक होते हैं और 6 में वो 1/2 भाग पार्टिसिपेट करता है, तो कुल मिला के कितने हो गए 3, और प्लस उसके साथ 8 कोणों पर उपस्थित अवयवी कोणों की संख्या कितनी होगी 1, तो टोटल FCC में अवयवी कोणों की संख्या कितनी होगी 4। अब आते हैं उसके कोर की लंबाई a, a इज इक्वल टू आप लिखेंगे q
क्योंकि पिकोमीटर है, तो इसको 10 की पावर माइनस 10 किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसमें आपके पास आता है जो वॉल्यूम ए, फिलहाल तो आप ए क्यूब तो यहीं पे निकाल दीजिएगा, जेड हो गया, ये हो गया एम, भार कितना दे रखा आपको 60, और अवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर माइनस 23। सारी वैल्यूज यहाँ पे सेट कीजिए इस फॉर्मूले में। डी इज इक्वल टू आपने लिखा जेड यानी 4 इंटू एम यानी 60 और अपॉन ए क्यूब, यानी इसको अगर मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 भी लिख सकती हूँ इसके होल क्यूब, और इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, देखिए अब आपको इसके बाद इसकी कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे, हम ये कैलकुलेशन करेंगे आप, तो कैलकुलेशन करने के बाद जब भी आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो इसका वेट होगा वो आपके पास आ जाएगा कितना, यानी डेंसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं कैलकुलेटर में या बिना उसके, तो ये पोर्शन ये आएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए हो गया। अब आप इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ नेक्स्ट टॉपिक ही इसी वीडियो में, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक होगा पैकिंग एफिशिएंसी। क्या पढ़ाऊंगी, पैकिंग एफिशिएंसी, ये नोट कर लीजिएगा बाद में, है ना। तो अब आते हैं वीडियो, इसी सिक्स वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी यानी जिसे कहते हैं संकुलन क्षमता, तो किसी भी क्रिस्टल की जो संकुलन क्षमता होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि उसमें कुल जो घेरा हुआ आयतन है, किसी क्रिस्टल या संरचना में कुल आयतन का जितना आयतन, लिख देती हूँ मैं किसी, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम था, मैं इसी से लिख देती हूँ, किसी क्रिस्टल या संरचना में जितना आयतन परमाणु द्वारा घेरा जाता है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी में जैसे आपके पास मैंने कहा कि किसी क्रिस्टल संरचना में जितना आयतन परमाणु द्वारा घेरा जाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी आप एक तो निकालेंगे घनीय संरचना की, किसकी, घनीय सरलतम कहेंगे कोष्ठिका, सरलतम मात्रक कोष्ठिका। ठीक है, यानी सिंपल क्यूबिक सेल की। तो ये सरलतम मात्रा कोष्ठिका का घनीय, सरलतम मात्रा कोष्ठिका का क्या है, संकुलन क्षमता कैसे ड्राइव की जाएगी, पॉइंट नंबर टू। इसमें दूसरा आता है एफसीसी की संकुलन क्षमता। ठीक है, तीसरी आएगी आपके पास बॉडी सेंटर्ड की यानी बीसीसी की संकुलन क्षमता, यानी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, तो दोनों की ही आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। और सेम इसमें भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी ही निकालनी है। ठीक है, तो मैं केवल इसका ड्राइव करके आपको दिखा रही हूं, बाकी आप खुद दूसरे का निकालेंगे। तो एक आप अच्छे तरीके से समझिए, ये एक क्रिस्टल है, ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टल में थोड़ा डायग्राम बड़ा ही बना रही ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे। इस क्रिस्टल्स में ये अवयवीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं,
इन अवयवी कणों को मैं क्लोज करके अलग से एक डायग्राम के माध्यम से समझा रही हूं कि एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये। तो इसकी यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस है सा, मतलब सपोज वैसे तो हर कोर की लंबाई कितनी होती है, ए, यानी आप यहां से यहां करेंगे और यहां से यहां करेंगे तो कितनी होगी ए। तो मैंने यहां से यहां तक अगर मैं बोलूं कि ए बराबर कितना है, एक गोले की जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या यानी एक गोला जो आपको दिख रहा है इसकी तो त्रिज्या होती है कितनी होती है, आर होती है। और यहां से लेके भी आप आर बनाएंगे तो कुल मिला के कितना हो गया, टू आर। यानी क्रिस्टल की जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल की जो लंबाई है कोर की वो कितनी हो गई, टू आर। ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, टू आर। ये आपके लिए ए इज इक्वल टू कितना हो गया, टू आर। अब मात्र कोष्टिका में जो गोलों की संख्या होती है क्योंकि इसके केवल कॉर्नर्स में होते हैं तो जो गोलों की संख्या हो गई वो कितनी है, इसमें गोलों की संख्या वो आपके पास 8 × 1/8, दिस इक्वल टू कितना है, 1। और एक गोले का जो आयतन होता है, एक गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना कहलाता है, 4/3 πr³। अब r के जगह आप ये वैल्यूज रख लेंगे जो मैंने आपको दी, r बराबर कितना है, एक गोले का आयतन तो ये हो गया r बराबर, जहां पे हम उसकी जो कोर की लंबाई है तो फिलहाल 4/3 πr³ जैसे दे रखा है आप उसको वैसे लिख लीजिएगा, और जो कोर की लंबाई दे रखी है वो a बराबर कितना लिखेंगे, 2r लिखेंगे। तो अब एफिशिएंसी निकालती हूँ मैं इसकी क्यूबिक की, तो कुल मिलाकर के आपका जो ये क्रिस्टल से इस ये घन है तो लिखेंगे क्रिस्टल्स का जो घन का जो आयतन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, a × a × a यानी a³। ठीक है, तो कुल एक जितना भी किसी भी क्रिस्टल संरचना में जितना आयतन होता है वो परमाणु द्वारा घेरा हुआ, वो जितना भी उसका आयतन रहेगा पूरे क्रिस्टल्स में परमाणु द्वारा घिरा हुआ आयतन वो उसका क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहां पे मैं संकुलन क्षमता बराबर लिख रही हूं पैकिंग एफिशिएंसी, पीई इज इक्वल टू एक गोला कितना आयतन घेर रहा है, 4/3 πr³ अपॉन कुल गोले का जो आयतन है उसका है घन, घन का कुल घन का टोटल आयतन कितना, a³। a³ के a की वैल्यू कितनी है, 2r, उसका क्या किया आपने, 4³ 2r³। तो दिस इक्वल टू 4/3 πr³ होल अपॉन ऑफ 2 × 4 × 8 r³। r³ से 1 r³ कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 4/24। ठीक है, और साथ में कितना, पाई, दिस इक्वल टू π/6। और इसकी जो वैल्यू है पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है, 3.14 या 22/7 जैसे भी आप लिखना चाहें, तो 0.524। दिस इक्वल टू, अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालूंगी तो ये 52.4%। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि सिंपल क्यूबिक सेल्स की, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 52.4 होती है। ठीक है, तो ये मैंने केवल पैकिंग एफिशिएंसी, अब ये केवल पैकिंग एफिशिएंसी किसकी निकाल रही हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, पहले वाले की, ये फर्स्ट डायग्राम का मैंने आपको निकाल के दिखा दिया ये पूरा डेरिवेशन। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप एफसीसी की निकालेंगे तो एफसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो मैं नोट करके यहां पे आपको लिख रही हूं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। और बीसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 68%। तो एग्जाम एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, ड्राइव करने के लिए मोस्टली नहीं आता है, मगर ऐसा है कि एक ड्राइव करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से निकाला। ऐसी एफसीसी में होता है, एफसीसी में एक फिर आप जैसे मैंने एफसीसी का डायग्राम आपको सिखा रखा है कि कोनों के अलावा उसके फलकों में भी रखेंगे तो वो उस तरीके से आप दिखाएंगे। तो पैकिंग एफसीसी ये कंप्लीट हो गया, मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको दिया। अब मैं चाहूंगी आपको मैं क्वेश्चंस कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को वहां पे कौन कौन से क्वेश्चंस आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओरल बताते चली जाऊंगी, उसको आप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए जो आपने लर्न करने हैं, जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी मैंने जो डेंसिटी का क्वेश्चन आता है वो आपको समझा दिया, उसी तरीके के सारे क्वेश्चंस होंगे। उसमें परमाणु की संख्या या कोई यौगिक आपको कंपाउंड्स बनाना हो
वो भी उसमें मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आपको मैंने इसके साथ ही साथ डेंसिटी वाला है यौगिक कंपाउंड्स बनाने के लिए आएगा क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें से रिलेटिव होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। अब आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पहले एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इन क्वेश्चन आंसर को आपको पुटअप करूंगी और लर्न पूछा जाएगा। मैं हो सकता है वीडियो कॉलिंग करके आपके जो प्रॉब्लम्स होगी उनको सुनने की कोशिश करूंगी। तो जिस दिन ऑनलाइन करूंगी तो उस दिन आप सभी को बताऊंगी, ठीक है? अगर पॉसिबल हो पाया, सब कनेक्ट हो पाए, मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो जाए तो ठीक है, पूरे बच्चे होना कनेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, मगर जितने भी है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में क्या अंतर है? मैंने दोनों का डेफिनेशन आपको लिखा है, पहला क्वेश्चन ये रहा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर टू, एफ केन या एफ सेंटर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थ्री, लोह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोह चुंबकत्व जिसको लिखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जहां से मैंने आपको समझाना शुरू किया, निबिट संकुलन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम क्यों हो जाता है? नेक्स्ट लिखिए, पी टाइप्स और एन टाइप्स अर्धचालक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट लिखिए, चतुष्फलीय रिक्ति और अष्टफलीय रिक्ति से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट लिखिए, समन्वय संख्या किसे कहते हैं? समन्वय संख्या किसे कहते हैं? नेक्स्ट, अकृष्टलीय ठोसों को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, यूनिट सेल मात्रक कोष्ठिका किसे कहते हैं? बीसीसी और एफसीसी को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, प्रतिलोह चुंबकता किसे कहते हैं? नेक्स्ट, अंतरकाशीय स्थान क्या है? नेक्स्ट, वर्गीय जालक को परिभाषित कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आप लर्न करेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो चैप्टर वीडियो के द्वारा समझा जा सकेगा मैं उसी चैप्टर्स को बनाऊंगी, ठीक है? चैप्टर नंबर जो भी आएगा वो मैं लिख के दूंगी आपको कि चैप्टर नंबर टू या थे ये है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम्स होगी आप मेरे पर्सनल में व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में उसे सेंड कर सकते हैं। ओके।